दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमने दो ब्रांड्स के साल्ट लिए हुए हैं, नमक लिए हुए हैं। पहला हमारे पास है टाटा साल्ट और दूसरा हमारे पास है पतंजलि। और इस वीडियो के देखने के पहले आपको, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था कि हम किसी भी नमक का आइडेंटिफिकेशन, उसका टेस्ट कैसे करते हैं घरेलू लेवल पे, तो अगर आप वो देख लोगे वीडियो तो आपको ये बहुत जल्दी क्लियर समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और इसमें हम बोलना चाहते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, किसी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, बट हमारा इतना सा इंटेंशन है कि लोग क्वालिटी के प्रति अवेयर हो और जो हम खा रहे हैं, जो मार्केट से परचेज कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी मेंटेन हो। ठीक है, तो हमारा इस वीडियो का मोटिव यही है, तो उसको आप ब्रांडिंग और प्रमोशनल के तौर पर बिल्कुल ना लें। ठीक है, तो आज हमारे पास दो ब्रांड के नमक हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास है पतंजलि। ठीक है, अगर आप वीडियो में कैमरे में देख रहे हैं, पहला जो हमारा साल्ट है वो पतंजलि है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है टाटा साल्ट। बहुत ही जो दोनों हमारे पास नमक है वो वेल नोन रेनॉल्ड कंपनीज हैं, बहुत लंबे टाइम से मार्केटिंग कर रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास टाटा साल्ट है और पतंजलि का हमने एक और लिया है रॉक सॉल्ट, जिसको बोलते हैं हम सेंधा नमक। ठीक है, पहला हमारा था व्हाइट सॉल्ट और ये हमारा है रॉक सॉल्ट। तीन हमने प्रोडक्ट ले लिए हैं। अब देखते हैं हम, अब देखो किसी भी, अगर आप पॉकेट को देख रहे हो कि ये सील्ड है, कहीं से भी खुला नहीं है, आपके सामने ही हम खोलेंगे और हम टेस्टिंग करेंगे कौन सा साल्ट हमारा अच्छा है कौन सा खराब है। अगर आप प्रॉपर देख रहे होंगे, ठीक है, कहीं से लीकेज नहीं है, कहीं से खुला नहीं है, वीडियो में आपके सामने ही ओपन करेंगे और हम चेक करेंगे कौन से कंपनी का जो हमारा नमक है अच्छा है। ठीक है, ऐसा सच हमारा टाटा साल्ट है, आप कहीं से भी देख लीजिए, ओपन नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं हमारे पास कितने बीकर हैं। हमने तीन बीकर ले लिए हुए हैं यहाँ पे, बीकर ए, बीकर दो, बीकर तीन। ठीक है, देखो बीकर से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, एज लाइक आपके पास घर में जो ग्लास होते हैं उनको बीकर मान लीजिए। अब हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया दोनों तीनों में। ठीक है, पानी हमने थोड़ा डाल दिया। जो हमारा नमक का पहला वीडियो था उसको आप देखोगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे टेस्टिंग की थी, अदरवाइज आप नहीं भी देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लेते हैं सबसे पहले साल्ट ए। ये देखो पतंजलि का साल्ट है, अगर आप कैमरे में देख रहे होंगे, रॉक साल्ट जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, पतंजलि कंपनी का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम इसको, फोला थोड़ा सा फाड़ लेते हैं। ये देखो कैंची ले ली हमने, ठीक है, अब इसको यहाँ से थोड़ा सा हम फाड़ लेते हैं। फाड़ने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे अपने बीकर में, अपने ग्लास में, देखो आप कैमरे में देख रहे होंगे। ठीक है, इतना हमने डाल दिया। ठीक है, अब इस पैकेट को हम इधर रख देंगे। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया पतंजलि का, ये भी है हमारे पास पतंजलि का नमक है, हमारा वाइट सॉल्ट है। इसको थोड़ा सा हम फाड़ के मिक्सिंग करेंगे अपने बीकर में। ठीक है, इस वाले में डाल लेते हैं। ठीक है, राइट लेफ्ट हमारे कौन सा है, पतंजलि सॉल्ट है दोनों तरह, दोनों साइड में। अब जो हमारा मिडिल में होगा वो हमारा होगा टाटा साल्ट, ये आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा सॉल्ट माना जाता है मार्केट में, टाटा साल्ट। ठीक है, अब हम टाटा साल्ट को ऐड करेंगे मिडिल में। क्लियर, हमारा लेफ्ट राइट कौन सा था, हमारा था पतंजलि, ये भी पतंजलि था और ये भी पतंजलि है और ये हमारा है टाटा सॉल्ट। अब हमने पहले वीडियो में क्या किया था, मिक्सिंग कर ली थी जिससे हमारा प्रॉपर जो नमक है प्रॉपर घुल जाए, जिससे आसानी से हमें पता लग जाए कि क्या जो हमारा नमक है सॉल्ट है उसमें कोई स्टोन तो नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया था, उसमें मिक्सिंग की थी थोड़ी सी। आप चम्मच ले सकते हो, स्पून ले सकते हो, या फिर ग्लास रॉड ले सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी स्टिक ले सकते हो जिससे आप प्रॉपर मिक्स कर सको नमक और पानी को। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको लॉजिकल नहीं सोचना है, जस्ट एक ग्लास ले लिया हमने, ग्लास में थोड़ा नमक डाल दिया और नमक में हमने थोड़ा डाल दिया पानी, जिससे जो नमक और पानी है प्रॉपर घुल जाए। और एक चीज़ और है, तीनों ब्रांड का जो पैकेट है मैंने आपके सामने वीडियो में ओपन किया है, तो इसके पहले मुझे भी अंदाज़ा नहीं है स्टिल कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी दोनों तीनों की। ठीक है, तो अभी पता लग जाएगा हमें कि तीनों की जो क्वालिटी है हमारी कैसी है, क्या तीनों ब्रांड, मतलब ब्रांड दो ही हैं, पतंजलि के दो ब्रांड है हमारे पास, दो प्रोडक्ट हैं और टाटा का एक है, क्या जो तीनों प्रोडक्ट हैं हमारे पास क्या इनमें कोई एडल्ट्रेशन है, कोई साल्ट की मिक्सिंग की गई है, फिर क्या ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमारा डाइजेस्टेबल नहीं है या फिर जेल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंत तक बिल्कुल
लाइव एक्सपेरिमेंट हमें पता लग जाएगा कि जो हमारे नमक हैं टाटा साल्ट और पतंजलि अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है, ये अपनी गुणवत्ता पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने तीन प्रोडक्ट लिए हुए थे, हमारा ये था पतंजलि का साल्ट, ठीक है, रॉक साल्ट सेंधा नमक था, ये हमारा था टाटा का और ये था पतंजलि का। दो पतंजलि के थे ये वाले और एक टाटा का था। अब हमने प्रॉपर मिक्सिंग कर ली है, इसकी डिजोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं, अभी मैंने आपके सामने लाइव एक्सपेरिमेंट में पैकेट खोले थे, टियर किया था और हमने मिक्सिंग की थी। मिक्सिंग करने के बाद हम देखेंगे क्या इनके साथ भी वही हो रहा है जो हमारे पुराने वीडियो में हो रहा था। बहुत ही स्टोन को जब स्टोन के साथ रगड़ते हैं या फिर हम स्टोन को किसी ग्लास के साथ रगड़ते हैं, एक अलग तरीके का फ्रिक्शन, एक रगड़ आती है, एक साउंड आता है, एक वॉइस आती है, तो क्या उस तरह से इसमें आ रही है या नहीं आ रही है, तो हम देखेंगे इस वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, अपने माइक को हम बीकर के पास में लगाएंगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि बीकर में क्या हमारा कोई अनडिजॉल्व पार्टिकल मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रयास करें कैमरे में थोड़ा सा देखने का, ये देखिए दिस वन, ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे कैमरे में, आई थिंक क्लियर आपको समझ में भी आ रहा है। ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा था, लेफ्ट और राइट में जो प्रोडक्ट है हमारा वो है पतंजलि का, और जो मिडिल में है वो हमारा है टाटा का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, लाइक स्टोन पार्टिकल्स। ठीक है, थोड़ा जूम करिए, बस बस बस, अब देखिए प्रॉपर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए अभी आपको हम आवाज़ भी सुनाएंगे इनकी। ठीक है, अब देखते हैं हम टाटा, जो हमारा टाटा सॉल्ट था, टाटा की तरफ देखते हैं क्या है हमारा भाई। अब देख रहे हैं आप, क्लियर, बिल्कुल क्लियर आपको दिखा रहा है, कोई भी यहाँ पे पार्टिकल कोई हमें नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, पूरे बीकर में कोई भी पार्टिकल हमें नहीं दिख रहा है और ना ही किसी भी तरह की हमें साउंड आ रही है, तो साउंड आपको हम अभी सुना देंगे इसमें भी। और टाटा के प्रोडक्ट में, टाटा का जो नमक है हमारा, कहीं भी कोई भी हमें सॉलिड पार्टिकल लाइक स्टोन नहीं दिख रहा है हमें। अब हमारा जो तीसरा है इसमें, ये हमारा रॉक सॉल्ट है, तो इसका जो कलर है वो हमारा, हम ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिखा सकते, इसको नहीं दिखेगा, बट इसकी हम साउंड आपको सुनवाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें पता लग गया कि जो हमारा पतंजलि है इसमें पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल हमें दिख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट हमें कैमरे में। अब इसकी हम वॉइस आपको प्रयास करेंगे सुनाने का, तो ठीक है बहुत ध्यान से आपको सुनना है। लाइक दिस, आपको बहुत क्लियर एग्जैक्टली साउंड समझ में आ रहा है, जो हमारा पतंजलि का साल्ट है वो एग्जैक्टली आपको साउंड आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। और इसमें कोई भी मैंने वीडियो में एडिटिंग नहीं की है, आपके सामने पूरा लाइव वीडियो है, मैंने पैकेट भी आपके सामने खोला हुआ है। ठीक है, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी कंपनी को नीचे गिराना और नीचे दिखाना, बट इतना इंटेंशन है जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उन जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो एक गुणवत्तादायक हो और वो अपनी गुणवत्ता पे खरे उतरे। ठीक है, ये हमने देख लिया पतंजलि में। नेक्स्ट हमारा बीकर क्या था, ये हमारा है हमारा टाटा का, इसकी साउंड सुनेंगे हम। आप देख लीजिए साउंडलेस है, किसी भी तरह की कोई साउंड नहीं आ रही है, किसी भी तरह की कोई साउंड यहाँ पे प्रतीत नहीं हो रही है, हमें सुनाई नहीं दे रही है। इट मीन्स जो टाटा का हमारा साल था उसमें किसी भी तरह का सॉलिड पार्टिकल नहीं मिला है हमें, बिल्कुल भी कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं मिला है। थर्ड जो हमारा है पतंजलि का रॉक साल्ट सेंधा नमक, यहाँ पे ट्राई करेंगे हम, यहाँ पर भी हमें साउंड आ रही है मगर बहुत कम साउंड आ रही है कंपेयर टू फर्स्ट वीकर। अगर आप प्रयास कर रहे होंगे थोड़ा सुनने का, तो जो फर्स्ट वीकर में साउंड आ रहा था बहुत ज़्यादा था, सेकेंड में टाटा में बिल्कुल नहीं था। अब जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है हमारा पतंजलि का सेंधा नमक का, उसमें भी साउंड आ रही है मगर थोड़ी सी कम आ रही है अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट वाले वीकर से। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों,
आज दोस्तों आपने लाइव देख लिया कि हमारे कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, कौन से गुणवत्ता में खरे उतर रहे हैं, कौन से नहीं उतर रहे हैं। अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो जो हमारा टाटा का है वो लगभग 20 रुपए का आपका मिल जाता है, सॉरी 25 का मिलता है 1 kg, और जो हमारा पतंजलि का मिलता है 20 रुपए का। ठीक है, तो आप जब भी मार्केट से कोई भी परचेज करें सॉल्ट को, तो आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे जरूर परफॉर्म करें। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी है हमें क्या पीस के खिला रही है, क्या स्टोन दे रही है, या फिर वो अपने गुणवत्ता में खरी उतर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।